हेलो एवरीवन, आप सभी को मिल गया होगा नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से। और जैसा मैंने आपको कहा था, कल मैंने वीडियो में यही बोला था कि आपके एग्ज़ाम्स डेफिनेटली पोस्टपोन्ड होंगे, बट हाउ मेनी डेज़ इसका अभी कोई नहीं पता था। मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, अगर आपने वीडियो प्रॉपरली देखा हो तो आपने उसको ऑब्ज़र्व किया होगा कि मेरे वर्ड्स को, मेरे मार्क किया होगा मेरे वर्ड्स को। तो अभी नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट का क्या निकला है उसके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इस वीडियो में। आप प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और बहुत ही एक चीज़ों को बहुत इंस्टीट्यूट ने एक तरीके से एक नोटिफिकेशन निकाला है, तो मैं उसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। और डिस्कस करने से पहले फिर मैं वापस से वही बात रखूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब से आपको ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसी भी आप स्पेकुलेशंस और चीज़ों में नहीं फंसते। सो जैसा मैंने इंस्टीट्यूट का एक नोटिफिकेशन पढ़ा, तो मैं एकदम से मैंने रिएक्ट नहीं करा कि वीडियोज़ पे वीडियो बना दूं, बट मैंने वीडियो को एक मतलब नोटिफिकेशंस को प्रॉपरली मैंने स्टडी किया। और पढ़ने के बाद जो इंस्टीट्यूट ने लिखा है, फ़िलहाल ये तो नोटिफिकेशन से आपको क्लियर है कि एग्जामिनेशंस आर नॉट गोइंग टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 21st of May या 22, जो भी आपका 22nd of May से एग्जामिनेशन था, वो आपके स्टार्ट नहीं हो रहे, दैट इज़ कॉल्ड पोस्टपोनमेंट। अब हाउ मेनी डेज पोस्टपोन्ड हो रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन अराइज होता है। तो इंस्टीट्यूट ने लास्ट लाइन में हाउएवर लिखा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेप्शंस। हाउएवर सिचुएशंस को रिव्यू किया जाएगा, पेंडेमिक सिचुएशंस को रिव्यू किया जाएगा, एंड देन आपको बताया जाएगा 25 डेज बिफोर, दैट इज़ एग्जामिनेशन जिस दिन कमेंस होगा उसके 25 डेज पहले आपको नोटिस किया जाएगा, और नोटिस का मतलब नोटिफिकेशन आपको निकाल दिया जाएगा कि एग्जामिनेशन आपके कब से हो रहे हैं। तो इस पर फिर वापस से एक एम्बिग्यूटी बनती है कि अब कितने दिन बाद एग्ज़ाम होगा। मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अभी नोटिफिकेशंस को डिस्कस कर रहा हूं। तो अभी इंस्टीट्यूट ने क्या नोटिफिकेशन निकाला है कि 25 डेज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशंस वी विल नोटिफाई टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा, बट सिचुएशंस को वापस से रिव्यू किया जाएगा। तो ये अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा। तो मैं आपसे सिंपल ये बात बोलना चाहूँगा, आप जस्ट इमेजिन करिए कि सिचुएशंस को एक तरह से रिव्यू किया जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 जून पे CS के एग्जामिनेशंस खड़े हैं अपने पास, और 12th के जो CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस है वो भी एक तरह से जून मंथ में ही अभी रीशेड्यूल कराए गए हैं, बट उस पर कोई भी टेंटेटिव डेट नहीं बताई गई है। सो उस सिचुएशंस को देखते हुए जाएँ, और मेरे हिसाब से अगर मुझे जहाँ तक लगता है इंस्टीट्यूट आई थिंक जून के मिड में, राइट, जहाँ तक मुझे लगता है जून के मिड में या फिर जून के थर्ड वीक, मतलब जो लास्ट वीक रहेगी आपकी जून की, उसमें शायद एग्जामिनेशंस आपके कंडक्ट किए जाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें, कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता 21st of May में, और मैक्सिमम एक महीना भी आप समझ लो, एक महीने तक अगर पोस्टपोन्ड होता है तो आप प्लीज़ प्रिपेयर करिए अपने आप को। और एक मैं आपसे सिंपल से बात बोलूँगा कि चीज़ों गलत चीज़ों में ना आए, कहीं से कहीं तक भी रूमर्स स्पेकुलेशन जो फैलती है उसमें ना आए। आप प्लीज़ जस्ट स्टडी करिए, फोकस रखिए अपनी स्टडी पे, और जैसा भी कुछ होगा मैं आपको ज़रूर, मेरे चैनल्स पर आप बने रहो, मैं चैनल्स के थ्रू आपको नोटिफाई कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये पढ़ लिया था नोटिफिकेशन, तो मैंने एकदम से रेट नहीं किया, क्योंकि यूट्यूब भर गया होगा इस चीज़ों से कि ICAI का नोटिफिकेशन आ गया है दुनिया भर का। तो प्लीज़ आप अपनी स्टडी करिए, और डेफिनेटली एश्योरिटी के साथ अपनी स्टडी करिए। आपको सिचुएशंस जहाँ तक मुझे लगता है मई एंड तक तो सिचुएशंस बिल्कुल ड्रास्टिकली बिल्कुल ख़राब है, तो हो सकता है कि जून के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में हो सकता है कि शायद आपका ये जो पेंडेमिक है इसका जो आपका कर्व होता है वो फ्लैटन हो जाए कर्व, तो उसकी वजह से सिचुएशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाए। सो यहाँ पे एक छोटी सी बात थी जो डिस्कस मुझे करनी थी, नोटिफिकेशंस आपको डिस्कस करना था, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना सभी के साथ, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना कि मेरी आपको जो लास्ट वाली वीडियो थी वो कैसी लगी।
सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्टली मैं ये कहूँगा, अगर आपको लगता है प्लीज़ मुझे ज़रा कोई सुटेबल नाम बताइए चैनल का, मैं चैनल का नाम क्या रखूँ, तो चैनल का नाम मुझे सुटेबिलिटी बताइए। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था बट कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत मज़ा लिया। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।